हेलो एवरीवन कैसे है मेरे प्यारे बच्चों आई होप मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और देखिए आज हम बात करेंगे चैप्टर का एक्सरसाइज ये ये जो है लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का ओके तो बाकी जो इसके वीडियोस हैं वो ऑलरेडी आपको अवेलेबल होंग हो चुके होंगे आपने देख लिया भी होगा इसके सारे चीजों को और अभी तक अभी तक आपने नहीं देखा ना तो नीचे लिंक दिया रहेगा वहाँ पे जाके देख लीजिएगा अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाइएगा वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी ओके तो बच्चों देखो पावर एंड एक्सपोनेंट में सबसे लास्ट वाला जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम आज स्टार्ट करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरली देखेंगे सारे आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोलूशन भी हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे ओके और एक बार आप लोग जरूर जो भी बच्चे जहाँ से भी हों जिस भी आ, स्टेट से हो, आ, आ रहे हों जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो अपना नीचे नेम और अपना स्कूल का नेम और आ, मैं बस देखना चाहता हूँ कि आ, मैं किन बच्चों तक तो पहुंच पा रहा हूँ ओके तो चलिए आज की बात करते हैं आज हमें क्या करना है हमें दो चीजें करना है एक तो साइंटिफिक नोटेशन में करना है साइंटिफिक नंबर में करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ओके बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है आज के टॉपिक में ठीक है जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म यानी किस में करना स्टैंडर्ड फॉर्म में करना अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको आप समझ लीजिए जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल से पहले केवल एक डिजिट होगा जैसे अगर मैं बोलूँ सेवन पॉइंट थ्री टू एट तो ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है या फिर जैसे लिखा हुआ है टू थ्री फोर सेवन तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर तो क्या करेंगे टू फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल थ्री फोर सेवन उसके बाद टेन के पावर अच्छा कितना आया थ्री आया तो थ्री यहाँ पे पुट कर देंगे बस यही सिंपल सा लॉजिक हमें यहाँ पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करना है और यही लॉजिक हम लेके चलेंगे आज फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ना सिक्स जीरो टू उसके बाद इतने सारे जीरो हमें काउंट नहीं करना ठीक हमें क्या करना है सिक्स के बाद पॉइंट लगाना है सिक्स के बाद क्या लगाना है पॉइंट उसके बाद क्या है जीरो है और टू बस काम करता हूँ उसके बाद टेन के पावर अब देखो टेन के पावर कितना आएगा काउंट करो जीरो कितने हैं मेरे साथ काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन फिफ्टीन टोटल कितना आ गया फिफ्टीन ट्वेल्थ तो आपके और थर्टीन तो आपके जीरो थे और उसके बाद डेसिमल आपका यहाँ पे आया है तो कितने प्लेस पे डेसिमल गया है वो मैटर करता है तो ये हो गया आपका आंसर कितना आ गया सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन के पावर फिफ्टीन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा चलो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या है जीरो पॉइंट जीरो जीरो इतने सारे जीरो फिर नाइन फोर टू मैंने क्या बोला था डेसिमल से पहले एक डिजिट आना चाहिए तो ये जो जीरो आपका आपका डेसिमल पे इस डेसिमल को उठा के मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आप कंफ्यूज ना हो जाओ सर एक कलर है इस डेसिमल को यहां पर उठा के कहा लाना है यहां पर लेकर आना है तो ये हो जाएगा फोर सॉरी नाइन पॉइंट ये हो जाएगा आपका नाइन पॉइंट फोर टू इंटू टेन टू दी पावर अब देखो डेसिमल यहां से यहां तक आए ना जब आपका डेसिमल डेसिमल ऐसे ये ये आपका है, आपका right है राइट साइड है 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 ओके और ये क्या आपका लेफ्ट साइड जब डेसिमल यहां से आपका राइट right साइड जाएगा ना यहां से राइट right साइड तो पावर नेगेटिव हो जाएगी क्या हो जाएगी पावर नेगेटिव हो जाएगी और जब डेसिमल आपका इधर से इधर जाएगा तो पावर क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी क्या होगी बच्चों पॉजिटिव पावर होगी आई तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो ये हो जाएगा मतलब ट्वेल्व तो गया लेकिन ट्वेल्व किस में जाएगा माइनस में ये हो गया आपका आंसर तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई इस वक्त ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं बस इसी अकॉर्डिंग टर्म्स को आपको चेंज करते चले जाना है ठीक है इतनी बात क्लियर है वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा जीरो पॉइंट डेढ़ सारे जीरो एट फाइव तो हम इस डेसिमल को कहा लाएंगे यहां पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा एट पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर अब राइट right साइड में गया है तो माइनस में जाएगा तो कितना जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन माइनस का ये क्या हो गया आपका बस ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और कुछ है नहीं अब देखो यहाँ पे गिवन है एट हंड्रेड फोर्टी क्वेश्चन है एट हंड्रेड फोर्टी सिक्स इंटू टेन के पावर सेवन तो अब हम क्या करेंगे सर यहाँ पे हम टू डेसिमल करते हैं तो ये हो जाएगा एट पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन के पावर टू इंटू टेन के पावर सेवन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर एक्सपोनेंट के लॉ लगेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 8.46 पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन के पावर टू प्लस सेवन कौन सा फॉर्मूला लगा बच्चों ए के पावर एम इन ए के पावर एन टू ये हो जाएगा ए के पावर एम प्लस एन क्लियर तो ये हमारा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 8.46 पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन के पावर सेवन टू नाइन ये आपका क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यस टू पावर पावर के अब यहां पे क्या है माइनस का फोर है किसका फोर है माइनस का फोर है तो अगर ये माइनस का फोर है तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको पहले आप डेसिमल में चेंज करो तो ये हो जाएगा कितना मैंने बोला था वन प्लस डेसिमल लगाना है तो थ्री पॉइंट सेवन फाइव नाइन इन टेन के पावर डेसिमल कहाँ पे थ्री प्लस पे, पे लगा ना तो वन टू थ्री मतलब थ्री प्लस का हो जाएगा इनटू टेन के पावर माइनस का फोर ठीक है अब ये कितना हो गया ये हो गया थ्री पॉइंट सेवन फाइव नाइन टेन के पावर थ्री और प्लस माइनस का फोर फॉर्मूला क्या लगा फॉर्मूला लगा ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इसक टू ए के पावर एम प्लस एन

सर ये हो जाएगा कितना मैं बोला ना डेसिमल को यहाँ से कहाँ लाना है यहाँ पे लाना है तो ये हो जाएगा सेवन पॉइंट टू नाइन एट फोर इंटू टेन टू द पावर देखो डेसिमल यहाँ पे था तो कितनी बज प्लस गया वन टू थ्री फोर लेकिन उल्टा गया है राइट साइड में तो क्या हो जाएगा माइनस फोर अच्छा ये विजिबल नहीं है ओके तो ये हो जाएगा कितना सेवन पॉइंट टू नाइन एट फोर इंटू टेन के पावर माइनस का फोर ये आपका आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है सो पॉइंट जीरो 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 फोर थ्री के पावर 4 ओके इतना का तो हम क्या इसको as usually? Change करेंगे इसको एज यूजली चेंज करेंगे डेसिमल में तो यहां जो डेसिमल इसको उठा के हमें कहां लाना है यहां पे लाना है तो ये हो जाएगा 4.37 10 के पावर अब देखो जब डेसिमल आपका राइट right हैंड में जाता है तो मैंने बोला था माइनस लगेगा पावर में तो कितना आया पहले ये देखो तो वन टू थ्री फोर आया लेकिन कैसे माइनस में तो इंटू टेन के पावर फोर तो अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फोर पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन के पावर माइनस फोर प्लस फोर तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा फोर इंटू पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन के पावर जीरो और बच्चों आपको याद होगा किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है वन होती है तो ये आ जाएगा फोर पॉइंट थ्री सेवन ये आपका आंसर बोलो बच्चों समझ में आ रहा है अब देखो यहाँ पे भाई सब क्या कह रहा है कि फोर अपॉन अच्छा ये डिवाइडेड है ना फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड थाउजेंड ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसको ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव अब इससे डिवाइड करो तो सिंपल सा एक कांसेप्ट मैं आपको बताता हूँ इससे डिवाइड करने का तरीका कितने जीरोज हैं वन टू थ्री फोर फाइव अच्छा एक बात बताओ मुझे क्या मैं इसको फोर अपॉन टेन के पावर वन टू थ्री फोर फाइव नहीं लिख सकता बिल्कुल लिखेंगे और इसको हम ले जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा फोर इन टू के पावर माइनस का फाइव ठीक है या फिर फोर पॉइंट जीरो माइनस का फाइव ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया कोई दिक्कत नहीं एक फॉर्मूला आप आपने पढ़ा होगा ए के पावर माइनस एन होता है तो ये ए के पावर सॉरी वन अपॉन ए के पावर एन हो जाता है है ना ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो अगर ये ये होगा तो क्या मैं इसको माइनस एन नहीं कर सकता आई कैन डू इट और हम ऐसा करेंगे भी ओके okay बच्चों अभी क्या करना है हमें यूजुअल फॉर्म में करना है अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया अभी हमें क्या करना है यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो चलिए कन्वर्ट करते हैं तो अब यहाँ पे क्या है कि 4.83 के पावर सेवन यूजुअल फॉर्म में तो मतलब बच्चों ये 83 तो रखिए और यहाँ पे टेन के पावर सेवन का मतलब क्या हो जाएगा वन उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है इतने जीरो से कर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टू टू पे डेसिमल है तो टू जीरो गायब हो जाएगा ये ये हो जाएगा four, eight, उसके बाद क्या हो गया आपका आंसर ठीक है अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो तो कोई नहीं वीडियो को थोड़ा सा पोस्ट करना है और फिर से वीडियो को रिवर्स कर जाके फिर से देखना है ठीक जहां भी आपको डाउट होगा वो आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी इन टू टेन के पावर माइनस का सिक्स अब देखो माइनस का सिक्स दिया है ना माइनस का सिक्स क्या अब जीरो हम इसके आगे बढ़ाएंगे ठीक है जीरो तो बढ़ा लो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और थ्री जीरो टू बढ़ा दिया देखो जब प्लस का प्लस रहेगा पावर में तो हम राइट हैंड साइड में जीरो बढ़ाएंगे और जब माइनस में रहेगा तो हम लेफ्ट साइड में जीरो बढ़ाएंगे अब डेसिमल यहाँ पे था तो अब यहाँ से सिक्स आगे जाओ यहां से सिक्स आगे जाओ तो यहां से सिक्स आगे जाएंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे आ जाएगा बस हो गया आंसर ठीक सिंपल था ना कह रहा हूँ ज्यादा टफ चीजें नहीं है इसमें अब ये गिवेन है आपका फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन के पावर फोर ओके तो अब ये क्या पॉजिटिव फोर है तो मैंने क्या बोला था आपको किधर जाना है इन टू वन टू थ्री फोर तो मल्टीप्लाई करेंगे देखो यहाँ पे कितने यहाँ पे कितने फाइव फोर जीरो है ना तो फाइव आप, आपको एक कम जाना है वन टू थ्री बस वही चीज़ें आया ठीक जो चीज़ें अभी मैंने ऊपर बताया वही चीज़ें हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है अभी ये थ्री इंटू टेन के पावर माइनस का एट है किसका एट है माइनस का एट है तो माइनस का है तो थ्री के आगे हम क्या बढ़ाएंगे एट जीरो वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और उसके बाद जो नंबर है वो वो कर दिया अब डेसिमल से आगे लेके जाइए पे ये क्या हो गया आपका आंसर बस जो कहता जाए करते जाइए आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा ये वन पॉइंट जीरो 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 वन इंटू टेन के पावर नाइन ओके तो वन पॉइंट जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन इंटू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो मल्टीप्लाई कीजिए तो देखो यहाँ डेसिमल में वन टू थ्री फोर है तो ये तो फोर तो गायब हो जाएगा यानी वन टू थ्री फोर जीरो तो खत्म हो गया तो ये हो जाएगा वन ज़ीरो जीरो जीरो वन उसके बाद वन टू थ्री फोर जीरो ख़त्म हो गया उसके बाद कितने बच्चे हैं आपके ये बच्चे हैं थ्री टू फाइव फोर फाइव एंड दिस इज योर आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह फाइव पॉइंट एट टू दावर टेन के पावर टू तो ये हो जाएगा फाइव पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय कितना टू जीरो तो ये तो बड़ा सिंपल सा था ये कितना हो गया फाइव एट जीरो बस आंसर है ना बहुत ईजीजी क्वेश्चन है कुछ खास इसमें है ना कि जो आपको परेशान कर सके 3.61492 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन टू द पावर सिक्स ओके चलो अब देखो 3.61492 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई वन टू थ्री फोर फाइव हो गया अभी क्या करेंगे बच्चों अभी यहाँ पे थ्री अभी डे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव प्लेसेस तो ऐसे खत्म हो गए वन टू थ्री फोर फाइव प्रोसेस तो ऐसे खत्म हो गया सिक्स वन फोर नाइन टू और एक जो जीरो बच जाएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आया ठीक है आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कह सकते हैं थ्री पॉइंट टू फाइव इंटू टेन के पावर माइनस सेवन ठीक तो मैंने बोला था ना ऐसे रहे तो इसके आगे आप सेवन जीरो बढ़ा लो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन थ्री टू फाइव ओके अब डेसिमल यहाँ थ्री के बाद था टू के बीच में तो इसके आगे आपको सेवन जाना है तो जाइए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ पे ये यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया ठीक है बच्चों तो I think ये चीज़ आपको समझ में आई होगी मैंने कोशिश किया है कि सारे के सारे क्वेश्चन को आपको बहुत ईजिली तरीके से समझाया जा सके और स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज मोस्ट वेलकम मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके क्वेश्चन का आपके डाउट का वेलकम करता हूं आप अपनी प्रॉब्लम लेके आइए उसका सलूशन यहाँ पे किया जाएगा ओके तो Uh, बस दैट्स इनफ फॉर टुडे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में और प्लीज़ बच्चों रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा आपको ऐसे ही uh, सारे uh, बुक के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अभी हम आर डी शर्मा कर रहे हैं कुछ दिनों बाद हम आर एस अग्रवाल को भी सॉल्व करेंगे फिर एस चंद को भी सॉल्व करेंगे यानी जितने भी बुक्स हैं एक भी बुक आपकी बचेगी नहीं कि सर ये वाला सॉल्व कराना बाकी है ओके तो बस आज के लिए इतना ही तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा हैव अ गुड डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय बच्चों